माँ काढ़ी में ये सब पड़ेगा ना, चार लौंग भी डाल दो। और काली मिर्ची इतनी? वैसे आपका काढ़ा बहुत अच्छा होता है, नैतिक को फौरन आराम मिल जाता है। कल से खास रहे हैं, अभी गला दुखने लगेगा ना तो फिर ना ही कुछ खाएंगे और ना ही पिएंगे, दवाई भी नहीं ले रहे हैं। कहीं बुखार आ गया तो? नैतिक को थोड़ी सी खांसी है अक्षरा, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? माँ क्या आप मुझसे अभी भी नाराज हैं? सब चाय की राह देख रहे हैं। माँ प्लीज मुझसे बात कीजिए, मुझे मुझे बहुत दुख होगा वरना। तुम्हारे दुख की वजह तो कुछ और है ना अक्षरा? मुन्ना और तुम्हारे बीच जो तनाव है वो तुम कितना भी छुपाने की कोशिश करो लेकिन मैं देख सकती हूँ। नहीं माँ, हमारे बीच में कोई तनाव नहीं है, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? तुमने पिछले दिनों इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई, जताने की कोशिश करती रही कि सब ठीक है। मुझे बहुत दुख हुआ है अक्षरा, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताना ठीक नहीं समझा। सब कुछ अकेले ही संभालती रही ये तुमने ठीक नहीं किया बहू। स्नेहा को लेकर बात इतनी बढ़ गई और तुम चुप रही, सिर्फ इसलिए कि बात बढ़ती ना जाए। मुन्ना और तुम्हारे बीच जो हो रहा है वो बस तुम दोनों के बीच रहे, बहुत मुश्किल रहा होगा तुम्हारे लिए। अपनी नाराजगी, अपना दुख इस तरह मन में छुपा कर रखना, सबको ये दिखाना कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, मुन्ना ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है अक्षरा, लेकिन तुमने एक पल के लिए अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी, चुपचाप तुम बहुत कुछ सह गई बेटा, लेकिन तुम्हारे मन का दुख मुझसे छुपा नहीं है। माँ हाँ बेटा मैं समझती हूँ। सॉरी माँ, मुझे आपको सब कुछ बता देना चाहिए था। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो शायद मैं कुछ मदद कर पाती। बेटा मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है। जिस दिन से तुम ब्याह कर आई थी उस दिन से तुम्हारे सुख दुख का ख्याल है मुझे। मेरे मुन्ना की दुल्हन हो तुम बेटा। हाँ इस घर में बेटी से बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं तुम पर, इसलिए कभी कभी टोक देती हूँ। मैं मानती हूँ मुन्ना मेरा लाडला है, कभी कभी उसकी गलतियों पर पर्दा डाल देती हूँ, लेकिन बेटा तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा होना चाहिए था कि इस नाजुक मामले में मैं सही का पक्ष लूंगी। मुन्ना से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई है तो? माँ माँ ये सब एक गलत फहमी है, नैतिक को नहीं पता था बात इतनी बढ़ जाएगी। उन्होंने स्नेहा को काम दिया, उनकी तारीफ की, लेकिन वो उसे गलत समझ बैठी। नैतिक ने स्नेहा से दोस्ती बढ़ाई सिर्फ मुझे चढ़ाने के लिए। नहीं पता था कि बात इतनी ज्यादा हाथ से निकल जाएगी। लेकिन बात इतनी कैसे बढ़ गई? यही तो मैं भी सोचती हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि माँ मैं सब कुछ भुला दूँ, लेकिन मुझसे नहीं होता, नहीं भुला पा रही हूँ सब कुछ।
स्नेहा का दुख, उसका चेहरा, इनकी बातें, कोशिश करके भी नहीं हो रहा है मुझसे माँ। नमिता, रो मत बेटा, मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंची। बेटा, तुम ये सोचो कि मुन्ना से जो गलती हुई है वो उसने जानबूझकर नहीं की, पछतावा हो रहा होगा, उसे माफी मांगी होगी उसने। रोते नहीं अक्षरा, अभी तो तुम्हारे वैवाहिक जीवन की शुरुआत है बेटा, एक शादीशुदा जिंदगी में तो इस तरह के उतार चढ़ाव आते ही हैं। अब वो हम पर है कि हम उनका सामना कैसे करें। हिम्मत रखो बेटा, इन सब से तुम्हारा रिश्ता मजबूत होगा, तुम एक दूसरे को और समझोगे। बहुत दुख दिया है ना मुन्ना ने तुम्हें, मुझे भी उस पर इतना गुस्सा आ रहा है, जी कर रहा है कि बाहर जाके उसके कान खींचूं और पूछूं कि ये गलती उसने की कैसे। नहीं नहीं माँ, आप प्लीज उनसे कुछ मत कहिएगा, आपको पता है आपसे बात करके मेरा मन बहुत हल्का हो गया है। लेकिन लेकिन आप उनसे कुछ मत कहिए, आप सही कहती हैं, मैं सब कुछ भूलने की कोशिश करूंगी। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, अब रोना बंद करो। दिवाली आ रही है, त्योहार का मौका है, मुस्कुरा दो। मेरी बहू ने अब तक इतनी समझदारी दिखाई है और अब ये क्या। मैं देखती हूँ, राजश्री बहन का है। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन, सब कुशल मंगल? जी, भगवान की कृपा है। आप बताइए, दिवाली की तैयारियां चल रही होंगी? बस गायत्री बहन, यही पूछने के लिए फोन किया है कि कल अगर आप सबके पास समय हो तो हम लोग थोड़ी देर के लिए मिलने आना चाह रहे थे। जी, इसमें पूछने की क्या बात है, जब इच्छा हो आ जाइए, ये आपका ही तो घर है। जी, अक्षरा से बात हो सकती है? उसे भी बता देती हूँ। जी अक्षरा, राजश्री बहन। हाँ? अक्षरा रसोई में है, मैं उससे कह दूंगी, वो आपसे बात कर लेगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, वैसे भी कल तो आ ही रहे हैं, मिलना हो जाएगा। जी तो हम आपकी कल राह देखेंगे। अच्छा है, दिवाली पर आप सबके आने से घर में रौनक आ जाएगी। जी धन्यवाद। अच्छा गायत्री बहन, कल मिलते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कल सब आ रहे हैं बेटा। सॉरी माँ, मैं इस वक्त ऐसी हालत में माँ से बात नहीं कर पाती, इसीलिए मना कर दिया। मैं समझती हूँ बेटा, कल सब आ रहे हैं तुम्हारे घर से। अब बताओ, उन सबका स्वागत कैसे करें, क्या क्या पकवान बनाए, राजश्री बहन को क्या पसंद है? उन्हें उन्हें घेवर बहुत पसंद है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। माँ, आपने आने की कोई खबर नहीं दी? त्योहार का समय है, कोई निमंत्रण देकर आता है क्या? दिवाली आ गई इसीलिए, और वर्षा की भी तो खबर लेनी थी, तुझे तो कुछ आता नहीं है, अब मैं ही सब देखूंगी। और फिर अक्षरा और जवाई साहब की भी तो चिंता होती है कि नहीं, अब ये सब कारण कम है क्या यहाँ आने के लिए? राधे कृष्ण माँ जी, खुश रहो। अरे धनिया को बोल सामान लाने के लिए। जी माँ, बस अभी। धनिया, धनिया। अरे बस बस, रहने दे, खुश है।
और अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म देना, समझी? शौर्य बेटा, देख नानी आई है। अरे नानी, जल्दी से उनका सामान लिया। अरे मेरे यारो, कैसी हैं आप? चलो ये आपने अच्छा किया जो आ गई, मैं सामान ले आता हूँ। बोला जी शौर्य भैया, आओ। अरे ये बता, थारी वो कुछ काम धाम करती है कि सारा दिन चारपाई तोड़ती रहती है? माँ, लेकिन वर्षा की तबीयत नहीं ठीक है ना। अरे तू चुप रह, तूने ध्यान नहीं रखा होगा। नहीं नहीं माँ, मैं पूरा ध्यान रखती हूँ इसका। अरे सर पे चढ़ा के रखा है तूने उसको। माँ जी, मैं आपके लिए पानी लेके आया। अरे फिर वही बात, कितनी बार कहा है कि बेटी के ससुराल में मैं पानी तक नहीं छूती हूँ। अरे जमाई सा आ गए। आई आई, खुश रही। माँ अच्छा हुआ आप आ गए, आने की खबर दे दी होती तो हम किसी को लेने भेज देते। अरे मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, मैं अपने आप आ सकती हूँ। चलो पहले अपना हिसाब कर लेते। ये रहा हमारे यहाँ रहने का खर्चा, ठीक है? माँ आप बार बार शर्मिंदा कर देती हैं। अरे रख लो, रीत तो रीत होती है, निभाना पड़ता है। अरे थकी हारी आई हूँ, कोई पानी का पूछेगा? जी माँ, धनिया। राधे कृष्ण नानी। राधे कृष्ण। माँ आइए ना, बैठ के बातें करते हैं, आइए। बैठे माँ। मुन्ना, दफ्तर के सभी लोगों के घर मिठाई भिजवा दी। मुन्ना, ये खर्चे का हिसाब है, मैंने देख लिया है, तुम भी एक बार चेक करो। माँ मैं इनके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। नहीं बेटा, तुम आराम करो, मैं दे देती हूँ। ये हुआ? कुछ नहीं, कर रहा हूं। अच्छा मुन्ना, वो कलागरे वालों को भी एक खत लिखना है, अभी लिख डालो। कल सुबह मैं कर देता हूँ बाबूजी। अरे अभी कर दे। दादा जी, वो लैपटॉप कमरे में है तो मैं कमरे में ही जाकर लिख दूंगा। अच्छा जरा ये डिजाइन देख, भेजने हैं। उसे दूध तो पीने दीजिए, ये सब सुबह देख लेगा। हा? हाँ दादाजी, मैं सुबह उठकर सबसे पहले सारे काम खत्म कर लूंगा। ठीक है, पर याद रहे जे थारी जिम्मेदारी है, कल जे सारे काम खत्म कर दीजो। जी दूध पी लेता हूँ। ठीक है दादाजी। माँ आप बताइए, आपकी तैयारियां कैसी चल रही है? ये लीजिए आपका दिवाली गिफ्ट, इस साल भी मैंने आपको तोहफा पहले दे दिया। कैसे लगा ये कलर? लाल रंग आपको बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास तो ऑलरेडी इतनी सारी साड़ियां हैं। लेकिन अक्षरा, मैं चाह रहा था कि इस दिवाली पर आप मेरी दी हुई साड़ी पहने। पिछले साल भी हमने तय किया था ना कि हम एक दूसरे को तोहफा देंगे। क्या हुआ, आपको पसंद नहीं है? नैतिक, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अक्षरा, जब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो रहा है तो आप ऐसी रूखी बातें क्यों कर रही हैं? क्या ठीक हुआ है हमारे बीच? मतलब
आपने ही तो फोन करके मुझे जल्दी बुलाया, मुझसे बातें की, आप खुश थी। सबके सामने थी, सबके लिए कर रही थी। तो वो सब एक दिखावा था? आप जो चाहे समझे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे टेंशन्स के बारे में घर में किसी को भी पता चले और सब परेशान हो जाए। घर में शांति बनी रहे उसके लिए हमें अपनी उलझनें छिपानी पड़ती हैं। जो भी तकलीफ है वो मेरी है और मेरी ही अंदर रहेगी, उसका दिखावा मैं नहीं करूंगी। राठौर साहब का लिखा? जी माँ। और अगर लड्डू बन रहे हैं देखो। भाभी माँ क्या हुआ? वो चाह गई। रश्मि जा मल्लम ला मेरे कमरे में। माँ आइए आइए देखो आराम से आराम। आराम से भाभी। रश्मि बेटा जल्दी ला। ये लीजिए। संभल के यहाँ बस। भाभी माँ आप आराम करिए, ये सब हम कर लेंगे, बहू और मैं संभाल लेंगे। कितना करोगे तुम लोग? सबके घर लड्डू भिजवाने हैं। भाभी माँ हम सब हैं ना, और महाराज जी भी हैं, सब हो जाएगा। थोड़ा बेहतर लगा। अब बहू मुझे एक लड्डू चखवा दे। देखती हूँ सब सही तो है ना। भाभी आपने जिस हिसाब से बताया था वैसे ही बनाए। लड्डू में शक्कर डालना भूल गई क्या? शक्कर तो नहीं डाली है बेटा, ध्यान देना चाहिए ना। अब ये लड्डू ऐसे ही सबके घर जाते तो जगह सही हो जाती बेटा। सॉरी भाभी माँ मैं शायद भूल गई, मैंने वैसे नाप के तो रखी थी, पता नहीं। भाभी माँ चिंता मत करिए मैं देख लूंगी। बेटा जल्दी से शक्कर ले आओ। जी। ये क्या झूठी दुनिया। लड्डू और बना लेंगे भाभी माँ, हम सब मिलकर जल्दी से कर लेंगे। ये अच्छा हुआ जो आपने चख लिए। हाँ चल रश्मि जा। अरे वाह लड्डू बन रहे हैं। हाँ मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, मेरे कमर का दर्द फिर से शुरू हो गया है, अब ये सारा कैसे होगा? जैसे ठंड बड़े है हर जगह तकलीफ शुरू हो जावे है। ऊपर वाला कह रहा है आराम कर ले, पर त्योहार के दिन आराम कैसे करूं? क्यों नहीं भाभी माँ, बहू है बेटी है सब तो है, फिर आप क्यों चिंता करती हैं? और क्या हम भी तो हैं। हम सब करा देंगे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण ये अचानक कैसे आ गई? नंदिनी दीदी को आप सबकी बहुत चिंता हो रही थी, कहा दिवाली का त्योहार है बहुत काम होगा। तुम जाओ थोड़ी मदद हो जाएगी। चल अच्छा है तू आ गई, अब जा जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ, लड्डू बनाने हैं। जी अभी आती हूँ। अरे मुन्ना जमाईसा के वास्ते भी कुछ लेना है, बाकी भी पहले दिवाली है ना, याद रहे चीज चौखी होनी चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।